चार कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये पूछ रहा हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच इफ इट इज क्लोज्ड। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, क्लोज करने के पहले हम निकालते हैं किस पे कितना चार्ज था और क्लोज करने के बाद किस पे कितना चार्ज है। ठीक है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि स्विच पे, स्विच से कितना चार्ज पास हुआ है। तो पहले तो इनिशियल कंडीशन यही दे रखी है, स्विच जब ओपन है, तो स्विच जब ओपन है तो ये दोनों सीरीज में है, वन और टू सीरीज में, तो इफेक्टिव हो जाएगा वन इंटू टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू यानी कि 2/3 माइक्रो फेरेड, और इसका भी इफेक्टिव हो जाएगा 2/3 माइक्रो फेरेड। ठीक है, अब इन दोनों के अक्रॉस अगर इस पॉइंट, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 24 वोल्ट है, तो जो चार्ज इसमें जाएगा वो हो जाएगा Q इक्वल टू E इंटू सी या सी वी 24 इंटू 2/3, तो ये हो गया 3 से गया 8, 8 टू जा 16, 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं चार्ज होगा इस पे प्लस 16 म्यूसी माइनस, फिर इधर से आएगा प्लस 16 म्यूसी माइनस, और इधर भी सेम इफेक्टिव आएगा, तो प्लस 16 म्यूसी माइनस और इधर प्लस 16 म्यूसी इंटू एंड माइनस, ये सब पे चार्ज आ गया स्विच को क्लोज करने के पहले। स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा यहां देखते हैं, अब ये ऐसे हो गया है। ठीक है, अब देखोगे अगर तो ये और ये पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए और ये पूरा इसके सीरीज में हो गया। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में तो इफेक्टिव हो गया 3μF, फिर ये भी 3μF, तो यहां लिख देता हूं पहले मैं कैपेसिटेंस 1μF 2μF यहां 2μF और ये 1μF, तो ये 3μF ये भी 3μF और 3 और 3 सीरीज में तो इफेक्टिव हो जाएगा 3/2, ये 24 वोल्ट है, तो जो चार्ज ये भेजता अगर ये पूरा अनचार्ज होता तब वो हो जाता 3/2 इंटू 24, 2 से ये गया 12 यानी 36 माइक्रो कूलम, और 36 माइक्रो कूलम जब यहां से आएगा तो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होता है कैपेसिटेंस के रेशियो में, रेशियो है 2:1, तो 36 का 2/3 इसमें जाएगा यानी 24 माइक्रो कूलम निगेटिव और 12 माइक्रो कूलम निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे आ जाएगा इस पे। ठीक है, सिमिलरली यहां देखोगे तो इस पे आएगा प्लस 24 म्यू सी माइनस और इस पे आएगा ये कितना प्लस 12 म्यू सी और माइनस, ये फाइनल चार्जेस हो गए और ये इनिशियल चार्जेस हमने शो किए हैं, और अब हमें बताना है कि इधर कितना चार्ज गया है इस वाले वायर में या जिसमें स्विच है उससे होके कितना चार्ज पास किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा, यहां से इस कैपेसिटर में 16 म्यूसी का चार्ज था इस वाली प्लेट पे, लेफ्ट वाली पे। ठीक है, और अब कितना है 12 म्यूसी का चार्ज बचा है, इसका मतलब है कि स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज ऐसे मूव किया है इधर कितना 4 म्यूसी का, तभी यहां से चार्ज निकल गया होगा और चार्ज कम हो गया है। ठीक, इस वाले पे देखोगे 16 म्यूसी का चार्ज था और अब है 24 म्यूसी का चार्ज, यानी इस पे 8 म्यूसी का चार्ज इधर से आया है। ठीक है ना, ऐसे ही इस पे अगर आप देखोगे तो इस पे 16 म्यूसी का चार्ज था पहले और अब है 12 का, यानी इधर से 4 म्यूसी का चार्ज ऐसे गया है। अब सोचो इधर से आया 8 और इधर से आया 4, तो इसमें जाएगा 12 माइक्रो कूलम का चार्ज। राइट आंसर इसका ए होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर ए है।